नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ फिर से आज एक नए क्लास की ओर डिस्कस करते हैं, नए टॉपिक की ओर डिस्कस करते हैं। आपने इंडस्ट्रियल में जरूर से जरूर देखा होगा कि कैपेसिटर बैंक लगी हुई रहती है, खास कर इंडक्टिव लोड में कैपेसिटर बैंक लगी हुई रहती है। कैपेसिटर बैंक हम लोग क्यों लगाते हैं? बेसिकली आपको भी पता है कि हम पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। जो हमारा इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पावर लॉसेस होता है, उस पावर के लॉसेस को रिकवर करने के लिए पावर फैक्टर को हम इम्प्रूवमेंट करते हैं बाय कैपेसिटर बैंक लगाकर। इस कैपेसिटर बैंक में एक हम इक्विपमेंट्स लगाते हैं जिसका नाम है RVT। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर बैंक में हम RVT क्यों लगाते हैं, RVT का क्या काम है। RVT का पूरा नाम हो गया रेसिडुअल वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसका काम क्या है? इसका काम दो काम होता है। एक तो ये डिटेक्ट करती है कि हमारा सिस्टम में कितना केवी सप्लाई हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना केवी सप्लाई हम सिस्टम को चार्ज करके रखे हैं। और दूसरा, ये इसका सबसे जो मेन लॉजिक है इस इक्विपमेंट्स का काम करने का, ये प्रोटेक्शन करती है। क्या चीज से प्रोटेक्शन करती है? अनबैलेंस वोल्टेज से प्रोटेक्शन करती है। यदि हमारा सिस्टम में 11 kV सप्लाई की कैपेसिटर बैंक लगी हुई है तो ये हमारा सिस्टम में 11 kV सप्लाई में जो अनबैलेंस वोल्टेज आएगा, अनबैलेंस वोल्टेज कहने का मतलब है 11 kV से थोड़ा सा ज्यादा या 11 kV से थोड़ा सा कम, ये जैसे ही वोल्टेज इसको मिलेगा, ये वोल्टेज, ये RVT क्या करेगी, ये डिटेक्ट करके सर्किट को ट्रिप या बंद करवा देगी। RVT से हमको दो बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट तो हमारे वोल्टेज सिस्टम में वोल्टेज कितना आ रहा है ये पता चलता है, और दूसरा इसका जो सेकेंडरी साइड में दो वाइंडिंग रहता है, नॉर्मली प्राइमरी साइड में हम क्या करते हैं, यदि 11 kV की RVT है तो 11 kV सप्लाई प्रोवाइड किए, 33 kV की यदि RVT है तो 33 kV सप्लाई प्रोवाइड किए, बट सेकेंडरी साइड में इसका दो वाइंडिंग रहता है। एक वाइंडिंग से तो हमें कनेक्शन हो जाता है बाय एनालॉग मीटर में या एनर्जी मीटर में कनेक्शन हो जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारा सिस्टम वोल्टेज कितना है। यदि 11 kV है तो 11 kV दिखता है, यदि 33 kV है तो 33 kV दिखता है। एक वाइंडिंग सेकेंडरी का इसका यह रहता है जो हमारा सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, किससे? अनबैलेंस वोल्टेज से। ये इसमें DADN, देखिएगा आप कभी भी RVT का यदि यूज करते हैं या यदि प्लांट में काम कर रहे हैं तो कैपेसिटर बैंक में, ये कोई कोई जगह पर बाहर में आउटडोर में RVT लगी हुई रहती है, और कहीं बहुतों क्या करता है पैनल में ही RVT, कैपेसिटर का जो पैनल होता है वहां पर RVT पैरेलल में कनेक्शन लगी हुई रहती है। ओके, इसका कनेक्शन कैसे रहता है? RVT का जो सिस्टम वोल्टेज है, हम लोग का कैपेसिटर बैंक का जो सिस्टम वोल्टेज है, जो लाइन जा रही है कैपेसिटर बैंक में, कैसे रहती है? इंडक्टिव लोड के साथ पैरेलल में कनेक्शन रहती है। जो 11 kV सप्लाई या 33 kV सप्लाई के साथ हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, RVT को भी पैरेलल में ही कनेक्शन कर इसके प्राइमरी कॉइल में रेड येलो ब्लू सप्लाई 11 kV सप्लाई चार्ज कर दिया जाता है। इसका जो न्यूट्रल सिरा होता है, उस न्यूट्रल सिरा को जितने भी कैपेसिटर हमने लगाए हैं, कैपेसिटर जितने भी लगाए हैं, उसका न्यूट्रल को शॉर्ट कर इस RVT के न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ध्यान से समझिए दोस्तों, फिर से मैं एक बार कनेक्शन के बारे में बताता हूँ। RVT का कनेक्शन कैसे होता है? RVT का कनेक्शन RVT के प्राइमरी कॉइल में रेड येलो ब्लू जो इंडक्टिव लोड है, जो जहां से हम कैपेसिटर बैंक को पैरेलल में कनेक्शन किए हैं, वहां से 3 लीड निकालकर इसको कनेक्शन कर देंगे इसके प्राइमरी कॉइल में। इसका जो न्यूट्रल सिरा होता है, RVT का जो न्यूट्रल सिरा होता है, वो न्यूट्रल सिरा कैपेसिटर जितने भी मैंने लगा रखी है उसके न्यूट्रल शॉर्ट कर उसका न्यूट्रल सिरा या RVT के न्यूट्रल के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये हो गई कनेक्शन की बात। अब आते हैं प्रोटेक्शन साइड की। इसके सेकेंडरी साइड में दो वाइंडिंग रहता है, एक वाइंडिंग जैसे मैंने बताया जो सिस्टम वोल्टेज को डिटेक्ट करता है कि सिस्टम वोल्टेज हमारे पैनल में, हमारे कैपेसिटर बैंक में कितना है, और एक वाइंडिंग जो ओपन डेल्टा वाइंडिंग रहती है। इस वाइंडिंग का मार्किंग जो होता है DADN होता है। इसी वाइंडिंग से वायर निकलकर हमारा जो NDR मीटर है, न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट रिले को कनेक्शन जाती है, जिससे हमारा सिस्टम प्रोटेक्ट करता है,
उस रिले में यह अनबैलेंस वोल्टेज को डिटेक्ट कर रिले को ट्रिप करवाती है, और जैसे ही यह रिले एनडी या रिले ट्रिप होती है, हमारा सिस्टम ट्रिप या बंद हो जाता है। कहने का मतलब है कि कैपेसिटर बैंक बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। यदि अनबैलेंस वोल्टेज यदि जा रही है लाइन में, तो उससे पहले ही आरबीटी डिटेक्ट कर पैनल को बंद करवा देती है, ताकि हमारा कैपेसिटर में वोल्टेज अननेसेसरी वोल्टेज यदि प्रोवाइड कराते हैं तो कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, कैपेसिटर का वायर लीकेज हो जाएगा, हमारा इक्विपमेंट्स डैमेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आरबीटी का हम यूज करते हैं दो कंडीशन में, एक यूज करते हैं एक प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, और हमारा सिस्टम में कितना लाइन वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस लाइन वोल्टेज को भी डिटेक्ट करता है, और इसका जो मेन काम है अनबैलेंस वोल्टेज को डिटेक्ट कर सिस्टम को ट्रिप या बंद करवा देना। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आरबीटी क्या है, आरबीटी क्या काम करती है, इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे इस वीडियो के द्वारा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं, और मैं सभी भाइयों से उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हमारा पढ़ाए गए हमारे डिस्कशन किए हुए वीडियो और भी नए दोस्तों और भाइयों तक पहुंचे, ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके, उनको भी नॉलेज हो सके। नमस्कार दोस्तों।